जनपद बुलंदशहर की खुर्जा तहसील में तहसीलदार का पेशकार आरोपी दीपक गोयल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि तहसीलदार के पेशकार का कारनामा तहसीलदार की अनुपस्थिति में फर्जी दस्तखत किए। पेशकार ने खुर्जा के तत्कालीन तहसीलदार संजय कुमार के फर्जी हस्ताक्षर कर 177 वादों का निस्तारण किया। वर्तमान में गोरखपुर में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं खुर्जा के तत्कालीन तहसीलदार संजय कुमार। मामला संज्ञान में आने पर तत्कालीन तहसीलदार ने डीएम को दी मामले की सूचना। शुरुआती जांच के बाद डीएम सीपी सिंह ने पेशकार दीपक गोयल को निलंबित किया है। आरोपी पेशकार के खिलाफ एडीएमई की अध्यक्षता में विभागीय जाँच शुरू की गई है। कितने आदेश उन्होंने कर दिए, क्या कार्रवाई की गई है सर जी फर्जी वालों में? मेरे संज्ञान में एक प्रकरण आया है जिसमें तहसीलदार खुर्जा के पेशकार श्री दीपक गोयल द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने तहसीलदार के स्वयं हस्ताक्षर करके 150 प्रकरणों में आदेश अपलोड किए हैं। जो तहसीलदार साहब हैं संजय कुमार जो डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं, उन्होंने ही हमको पूरी रिपोर्ट दी है। उस पर प्रथम दृष्टया मैं दोषी मानते हुए, चूंकि उनका स्पष्टीकरण भी लिया गया था, उसमें भी उन्होंने स्वीकार किया कुछ प्रकरणों में मेरे द्वारा ये गलती की गई है, उनको निलंबित किया गया है। विभागीय जांच की जा रही है और मैंने ये भी आदेश किया है कि संजय कुमार उनके विरुद्ध FIR कराएं, क्योंकि संजय कुमार के ही दस्तखत दीपक गोयल द्वारा बनाए गए हैं और इसकी और भी विस्तृत जांच कराई जा रही है। ये अत्यंत ही गंभीर प्रकरण है, क्योंकि कोर्ट में पीठासीन अधिकारी द्वारा ही आदेश पारित किए जाने चाहिए, और जब ये घटनाएं हो रही थी तो तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के संज्ञान में आया क्यों नहीं? तो ये सारे प्रकरणों की जांच करने के लिए मैंने ADME की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से जाँच करेंगे। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी, ताकि और लोगों को भी सीख मिले। लिपिक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है सर? वो ऑलरेडी निलंबित किए जा चुके हैं और मैंने ये भी पत्रावली पे आदेश दिए हैं कि अधिकारी जिन्होंने जिनके दस्तखत बनाए गए हैं वो चाहें तो उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज करा सकते हैं।